अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो पिछले ही टॉपिक का तसलसल है। पिछले टॉपिक में हमने बात की थी फिजिकल पेंडुलम की, तो आज हमने बात करनी है कि जो सिंपल पेंडुलम है वो फिजिकल पेंडुलम का एक स्पेशल केस होता है। यानी एक मखसूस हालात में जो फिजिकल पेंडुलम है वो सिंपल पेंडुलम जैसा बिहेव करता है, तो वो कंडीशन हमें देखनी है, तो चलें फिर उसको करते हैं। तो लास्ट लेक्चर के अंदर हमने एक फिजिकल पेंडुलम लिया जिसका जो सेंटर ऑफ मास था वो सी था, जैसे नज़र आ रहा है आपको। और हमने कहा था कि उसको हम एक वर्टिकल प्लेन में एक पाइवट पॉइंट, जो पॉइंट ओ पर उसको जो है वो वर्टिकल प्लेन में ऑसिलेट करवाता है, और इन तमाम कंडीशंस के तहत हमने फिर जो हमारा फिजिकल पेंडुलम था उसका टाइम पीरियड निकाला था। और देखा था कि जो टाइम पीरियड है फिजिकल पेंडुलम का वो उसके मोमेंट ऑफ इनर्शिया पे डिपेंड करता है, और उसका जो मास है उस पे डिपेंड करता है। और एक और चीज़ थी, वो थी एच। एच क्या था कि जो पिवट पॉइंट है और जो सेंटर ऑफ मास है उसके दरमियान डिस्टेंस, तो वो डिस्टेंस जो है वो कितना है। तो अगर हम इस डिस्टेंस को फिक्स रख दें और मोमेंट ऑफ इनर्शिया को चेंज करें तो तब भी टाइम पीरियड चेंज होगा, और अगर हम मोमेंट ऑफ इनर्शिया जो है उसको फिक्स कर लें, बाकी फैक्टर फिक्स कर लें, और जो एच की वैल्यू है उसको हम तब्दील करें, तो तब भी जो हमारा सेंटर ऑफ मास होगा वो तब्दील होगा, सॉरी सेंटर ऑफ मास तब्दील होने से उसका जो टाइम पीरियड है वो टाइम पीरियड उसका जो है वो तब्दील हो जाएगा। तो ये चीज़ें हमने लास्ट लेक्चर के अंदर जो है वो डिस्कस किया था। तो आज हमने ये देखना है कि वो कौन से हालात हैं जिन हालात के तहत हमारा जो फिजिकल पेंडुलम है इट विल बिहेव एज अ सिंपल पेंडुलम। तो वो जो हालात हैं वो हमने देखने हैं कि वो किन कंडीशंस के तहत जो है वो ऐसा होता है। तो इसमें हम ये फर्ज कर लेते हैं कि हमारे जो फिजिकल पेंडुलम था उसका जो मास है वो एक पॉइंट पे कंसंट्रेट कर जाता है जिसको हमने सेंटर ऑफ मास कहा था। तो अब हम क्या करते हैं कि फर्ज कर लें कि हम वैसा ही एक बॉडी लेते हैं, यानी हमारे इस पेंडुलम का जो मास था वो एम था। हम क्या करते हैं कि एक बॉब लेते हैं जिसका जो मास है वो भी एम ही है, यानी ये वाला मास और ये वाला मास जो है वो सेम है। तो चूंकि मास सेम है इसलिए हमारे जहन में ये बात आ सकती है कि इन दोनों बॉडीज़ के जिनके मैसेज जो है वो सेम है इनका जो टाइम पीरियड है वो सेम होगा। तो वो सेम होगा लेकिन एक ख़ास हालत में। वो हालत क्या होगी, जैसे कि हमें पता है कि जो हमारा सिंपल पेंडुलम होता है उसका टाइम पीरियड डिपेंड करता है लेंथ पे, 2 पाई L/g। तो वो पॉइंट कहाँ पर मौजूद होगा जहाँ पे उसका मास जो है वो कंसिडर किया जाए, ताकि उसका वो जो हमारा फिजिकल पेंडुलम है टाइम जो सिंपल पेंडुलम है उसकी तरह बिहेव करे। क्योंकि हम वो जो पॉइंट है वो लेंथ जो है वो कम भी ले सकते हैं, यहाँ पर भी बॉडी को ले सकते हैं, उसी मास को हम किसी और लेंथ के ऊपर भी ले सकते हैं। तो ये लेंथ कितनी होगी जिस लेंथ के ऊपर
उस बॉडी का टाइम पीरियड जिसका मास फिजिकल पेंडुलम के बराबर है, जिसका टाइम पीरियड उसके बराबर है, वो बराबर हो जाए कि दोनों के जो टाइम पीरियड हैं वो बराबर हो जाएं। तो दोनों के टाइम पीरियड बराबर होने का मतलब ये होगा कि बोथ आर बिहेविंग एज द सेम। यानी अगर हम ये कहें कि हमारे इस फिजिकल पेंडुलम का जो टाइम पीरियड है, अगर किसी वजह से वो 2 पाई L ओवर G हो जाए, तो हम ये कह सकते हैं कि और फिजिकल पेंडुलम इज बिहेविंग लाइक अ सिंपल पेंडुलम। तो वो हालात क्या हैं? तो अब हम उसको देखते हैं। हम फर्ज कर लेते हैं कि हमारे जो बॉडी है, जो रिजिड बॉडी है, उसका मास एक खास पॉइंट के ऊपर जो है वो कंसंट्रेट कर जाता है, यानी इस पॉइंट के ऊपर, तो इसका पॉइंट सी के ऊपर। तो इसका मतलब ये होगा कि हम एक बॉडी लेते हैं जिसका मास उसके बराबर है, और उसकी जो उसकी जो लेंथ है या उसका जो डिस्टेंस है फ्रॉम द स्पॉट, वो उतना ही है जितना के यहाँ पे था। यहाँ पर भी एच था और यहाँ पर भी एच हम ले लेते हैं। तो अब जब ये बॉडी एक सर्कल के अंदर मूव करेगा, तो इसका जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया होगा, जैसे हम पता है कि सर्कल का जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया होता है आई इक्वल्स टू एम आर स्क्वेयर होता है। तो यहाँ पे फिर हो जाएगा एम आर एम एच स्क्वेयर। और अगर हम इसको, जैसे कि हमने कहा कि हम लेंथ कह लें, तो फिर ये हो जाएगा एम एल स्क्वेयर, यानी एच की जगह हम वो पुट कर देंगे लेंथ एल। तो आई थिंक बात आप समझ गए होंगे कि अगर हम इतने ही मास का एक बॉडीज लेते हैं और उसको इतनी लेंथ के ऊपर जो हैंग करते हैं, तो फिर हमारे पास जो उसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया होगा वो ये होगा। तो अब हम जो है वो फैक्टर्स अपने इस फॉर्मूले के अंदर जो है वो पुट करते हैं, तो देखते हैं कि क्या रिजल्ट आता है। तो जब हम वैल्यूज पुट करते हैं अपने इस एक्सप्रेशन में, तो हमारे पास जो फार्मूला आता है वो एल ओवर जी आता है, 2 पाई L ओवर G। यानी अगर मखसूस हालात में अगर पूरे बॉडी का मास जो है वो बॉडी के सेंटर ऑफ मास पर आ जाए, उस पर इकट्ठा हो जाए, जिसको हमने सी कहा था, तो फिर वही जो बॉडी है इट विल बिहेव लाइक अ सिंपल पेंडुलम। तो ये हमारी वो कंडीशन थी, इस कंडीशन के तहत ये था कि फिजिकल पेंडुलम विल बिहेव लाइक अ सिंपल पेंडुलम। तो वो कंडीशन क्या है कि इफ इट्स होल मास इज कंसंट्रेटेड एट पॉइंट सी, तो ये मखसूस पॉइंट होगा जहाँ पर जो है वो, अगर उसके मास जो है वो कंसंट्रेटेड तस्वर किया जाए, तो उसका जो टाइम पीरियड है वो फिजिकल सिंपल पेंडुलम के बराबर होगा। इसके मैंने प्रैक्टिकल एग्जांपल भी देख ली कि अगर हम उतने ही मास का बॉडी एक मखसूस लेंथ के ऊपर लेंगे, तो उसका जो टाइम पीरियड होगा हमारे फिजिकल टाइम पीरियड के बराबर होगा। अब सवाल ये पैदा होता है कि वो लेंथ कितनी होगी। तो नेक्स्ट जो लेक्चर का हिस्सा है उसके अंदर हमने वो लेंथ कैलकुलेट करनी है कि जो पॉइंट जिसके ऊपर मास कंसंट्रेट अगर हो जाए, या उस लेंथ के ऊपर हम उतना ही मास लें, तो उसका जो टाइम पीरियड होगा वो फिजिकल पेंडुलम के टाइम पीरियड के बराबर होगा। वो लेंथ हमने कैलकुलेट करनी है, तो चलें उसको देखते हैं। जी, तो हम बात कर रहे हैं कि हमारा जो फिजिकल पेंडुलम है वो सिंपल पेंडुलम बन जाता है जब उसका जो मास होता है एक मखसूस पॉइंट के ऊपर कंसंट्रेट कर जाता है। तो वो जो पॉइंट है उसको हम नाम देते हैं हमारे पेंडुलम का सेंटर ऑफ ऑसिलेशन। तो इसको ज़रा रीड आउट कर लें। जैसे कि हमने देखा, वी कैन थिंक ऑफ अ फिजिकल पेंडुलम एज अ सिंपल पेंडुलम
इफ वी कंसीडर द मास ऑफ द रिजिड बॉडी टू बी कंसंट्रेटेड एट अ सिंगल पॉइंट, जैसा कि सिंपल पेंडुलम में होता है, तो फिर उस सूरत में क्या होगा? हमने देखा कि उनके जो टाइम पीरियड थे वो बराबर हो जाते हैं, द टाइम पीरियड ऑफ टू पेंडुलम्स आर सेम, तो दोनों के टाइम पीरियड जो हैं वो सेम हो जाते हैं, जैसा कि हमने अभी पीछे किया है। उसको जरा दोबारा देख लेते हैं। तो ये हमारे पास जो टाइम था, ये वो हमारे फिजिकल पेंडुलम का था। ये जो टाइम था ये हमारे फिजिकल पेंडुलम का था, और इसमें जो हमारा आंसर है वो सिंपल पेंडुलम का आया। तो इस तरह दोनों के जो टाइम पीरियड्स हैं वो बराबर हो जाते हैं, अगर हम बॉडी के पूरे मास को एक मखसूस डिस्टेंस के ऊपर जो है वो कंसंट्रेटेड एज्यूम करते हैं। तो अब हम चलते हैं अगले हिस्से की तरफ, कि वो सेंटर ऑफ ऑसिलेशन जो है वो किस लेंथ के ऊपर होगा। जैसे कि हमने पीछे बात की है अभी, कि वो जो पॉइंट होता है मखसूस लेंथ के ऊपर होता है, तो अब सवाल ये है कि वो लेंथ कितनी लेंथ होगी। तो लेंथ हमने जो है वो अब कैलकुलेट करनी है। तो जैसे इसको हम जो हमारी कंडीशन आई है कि उस मखसूस लेंथ के ऊपर, जिस लेंथ के ऊपर वो पॉइंट वाक्य होगा, वो पॉइंट जो है वो लोकेट करेगा, उसकी जो लोकेशन होगी जिस लेंथ के ऊपर होगी वो हम निकालेंगे। तो वो पॉइंट जो होगा उस पॉइंट पर अगर मास जो है वो कंसंट्रेटेड हो जाए, तो फिर दोनों के जो टाइम पीरियड्स हैं वो सेम हो जाएंगे। यानी जैसे कि हमने बात की कि अगर हम एक जो हमारा ये फिजिकल पेंडुलम है और उसका मास जो है वो एम है, और इस पॉइंट के ऊपर जो है ये पॉइंट के अबाउट ये रोटेट कर रहा है, ऑसिलेट कर रहा है, और इतने ही मास का हम एक और बॉडी लेते हैं, तो वो उसको किस लेंथ पे लेंगे, कि उसकी लेंथ क्या होगी कि इसका और इसका टाइम पीरियड जो है वो बराबर हो जाए। अब जो कि टाइम पीरियड उनके बराबर है, हमें लेंथ निकालनी है, तो हम क्या करते हैं, जो सिंपल पेंडुलम का टाइम पीरियड है वो और जो हमारे फिजिकल पेंडुलम का टाइम पीरियड है वो दोनों को हम इक्वेट कर लेते हैं, और हमारे पास ये रिजल्ट आ जाता है। तो ये रिजल्ट हमें वो लेंथ बता रहा है, उस लेंथ की वैल्यू बता रहा है कि हम इसमें मोमेंट ऑफ इनर्शिया, मास और एज की वैल्यू निकाल के वो लेंथ निकाल सकते हैं जिस पॉइंट के ऊपर अगर मास बॉडी का इकट्ठा कर लिया जाए, तो वो बॉडी जो है एक सिंपल पेंडुलम के तौर पर बिहेव करेगा। या फिर हम इसको ऐसे भी कह सकते हैं कि अगर हमारे पास एक फिजिकल पेंडुलम है, उसका जो मास है वो 2 किलोग्राम है, चलिए ये ज़्यादा हो गया, यानी अगर हम कर लें कि एक बॉडी है जिसका मास जो है वो 10 ग्राम है, और एक बॉब है उसका जो मास है वो भी 10 ग्राम है, तो अब अगर हम इसका जो मास है वो भी 10 ग्राम है, तो किन हालात में इसका और इसका जो टाइम पीरियड जो है वो बराबर हो जाएगा। अब चूंकि जो हमारा फिजिकल पेंडुलम जो बनाएंगे हम इस बॉब से, उसका टाइम पीरियड डिपेंड करता है लेंथ के ऊपर, तो वो लेंथ कितनी होगी जिस लेंथ पे इसका और इसका टाइम पीरियड जो है वो बराबर हो जाएगा, तो वो लेंथ ये होगी। तो इस लेंथ के ऊपर अगर हम इस बॉब को हैंग करेंगे, तो फिर इसका और हमारा जो फिजिकल पेंडुलम है जिनका मास सेम है, तो इनका जो टाइम पीरियड है वो एक दूसरे के बराबर हो जाएगा। तो वो जो लेंथ हमारे पास आती है जिस पे वो पॉइंट वाक्य होता है, जिस पे अगर टोटल मास कंसंट्रेटेड तस्वर किया जाए, उस पॉइंट को हम उसका सेंटर ऑफ ऑसिलेशन का नाम दे देते हैं। तो चलिए अब इसकी जो है रीडिंग हम देख लेते हैं। तो जो एल है वो किस पॉइंट की हम बात बता रहे हैं, द पॉइंट एट अ डिस्टेंस एल फ्रॉम द पिवट पॉइंट, यानी जो एल है, अगर ये हमारा फिजिकल बॉडी था, ये उसका पिवट पॉइंट है जिसको हमने अपने फिगर में ओ कहा था, और ये वो पॉइंट है जहाँ पर उसका मास इकट्ठा हो गया, जिस पे उसका टाइम पीरियड बराबर हो जाता है, तो दैट विल बी दी एल, और ये जो पॉइंट होगा ये हमारा सेंटर ऑफ ऑसिलेशन होगा।
is called center of oscillation of physical pendulum for that pivot point. यानी pivot point जो हमारा fix होना चाहिए. तो इसको हम अब जो following example है उसमें इसको हम मजीद clear जो है वो कर सकते हैं. तो ये हमारी एग्जाम्पल है. इसमें क्या है कि एक हमारे पास डिस्क है जिसका जो मास है वो m है और उसका जो रेडियस है वो r है. तो उसको उसका जो रिम है उसके ऊपर एक पॉइंट p है उस पॉइंट पे हम डिस्क को जो है वो हैंग कर देते हैं, पिवट कर देते हैं. मतलब फोकस करें कि ये हमारी अगर डिस्क है तो यहाँ पे आपने एक सुराख किया और इसको दीवार के साथ लगा दिया और अब ये इस पॉइंट में इस तरफ और इस डायरेक्शन में ये ऑसिलेट करेगी. तो इस पॉइंट के गिर्द जो है ये रोटेट करेगी. इसकी कंप्लीट जो रोटेशन होगी वो ऐसे होगी, पूरे जो कंप्लीट रोटेशन है वो इस तरह हो जाएगी उसकी. अब इसके अंदर रोटेशनल इनर्शिया जो है पाया जाएगा. तो अब इसका जो रोटेशनल इनर्शिया है वो कैलकुलेट करने के लिए हम पैरेलल एक्सिस थ्योरम जो है वो इस्तेमाल करते हैं. पैरेलल एक्सिस थ्योरम क्या है? ये दो टर्म्स पर मुश्तमिल है, आई इक्वल्स टू आई सी एम. यानी किसी भी बॉडी का जो दोबारा देखते हैं इसको, जो टोटल रोटेशनल इनर्शिया होगा वो दो टर्म्स पर मुश्तमिल होगा. एक टर्म हमारी है आई सी एम, ये उस बॉडी का अपना जो है वो रोटेशनल इनर्शिया है अबाउट सेंटर ऑफ मास. और दूसरा है एम आर स्क्वेयर प्लस ये एम आर स्क्वेयर. तो एम जो है ये हमारे पूरे बॉडी का मास होगा, यानी कि हमारी इस डिस्क का मास है. और आर है डिस्टेंस बिटवीन टू पैरेलल एक्सिस. जो भी डिस्टेंस होगा, जैसे यहाँ पे आर है तो हमने यहाँ पे आर कैसे दोनों के जो डिस्टेंस है वो हम इस डायग्राम उसको एलैबोरेट करते हैं. तो जो भी दो एक्सिस के दरमियान जो पैरेलल एक्सिस है उनके दरमियान डिस्टेंस होगा उसका स्क्वायर होगा. तो ये हमारे बॉडी का अपना रोटेशनल इनर्शिया और ये वाली टर्म. तो इन दोनों को जब हम ऐड करेंगे तो हमारे पास हमारे रोटेटिंग बॉडी का किसी भी पॉइंट के गिर्द जो है वो टोटल रोटेशनल इनर्शिया जो है वो आ जाएगा. तो अब ये जो सेकेंड टर्म है जिसमें हम पैरेलल एक्सिस की बात की है उनके जो डिस्टेंस है उसकी तरफ हम देखते हैं. तो इसी डिस्क को हमने यहाँ पर जो है वो ड्रॉ किया है. तो इसके ये जो पॉइंट है सी, तो सी पॉइंट से ये लाइन पास कर रही है इनके इस पॉइंट से और जो पिवट पॉइंट है उससे ये लाइन जो है ये पास कर रही है जो रेड लाइन है. तो अगर हम अकेली डिस्क की बात करें तो इसका जो रोटेशनल इनर्शिया है इसके अपने जो सेंटर है उसके अबाउट होता है. और चूंकि अब हमने इसको यहाँ पे हैंग किया हुआ है तो इसकी जो मूवमेंट होगी वो इसके गिर्द भी होगी. यानी इसमें अगर हम इसकी बात करते हैं तो ये इसके अंदर हो सकता है और जब हम इस पॉइंट की बात करते हैं फिर इसमें ये वाली चीज़ जो है ये रोटेशन भी होगी. इसलिए इसका जो रोटेशन है वो दो के हिसाब से हम ले सकते हैं, एक सेंट्रल एक्सिस के हिसाब से, दूसरा उस एक्सिस ऑफ रोटेशन के हिसाब से जिसके पिवट पॉइंट से गुजर रहा है, यानी इस पॉइंट से गुजर रहा है. तो एक्सिस ऑफ रोटेशन होता क्या है? जो उस पॉइंट से परपेंडिकुलर लाइन परपेंडिकुलरली पास करे जिस पॉइंट के बॉडी रोटेट कर सकता है. ये हमारी जो है वो परपेंडिकुलर लाइन है इसके. तो ये इसके परपेंडिकुलर है और ये जो है वो इसके परपेंडिकुलर है. तो दोनों जो हैं ये रोटेशनल एक्सिस हैं. तो एक पास कर रहा है हमारे पॉइंट सी से और दूसरा पास कर रहा है हमारे पॉइंट पी से परपेंडिकुलरली. और इनके दरमियान जो डिस्टेंस है वो जैसे कि यहाँ पे क्लियर है वो आर है. तो इसलिए हमने जो हमारी सेकेंड टर्म है उसके अंदर जो पैरेलल एक्सिस हैं नंबर वन और नंबर टू, इनके ये वाला और ये वाला, इनके दरमियान डिस्टेंस आ रहा है, इसका ये स्क्वायर है.
तो अब हम जो टोटल हमारी डिस्क है उसका रोटेशनल इनर्शिया निकालते हैं, तो वो हमारे पास जो है वो ये आ जाएगा। तो पैरेलल एक्सिस थ्योरम, आप जो मैकेनिक्स का कोर्स है उसके अंदर आप इसका प्रूफ भी पढ़ेंगे। बहरहाल यहाँ उसका यूज था, इस एग्जाम्पल में प्रूफ नहीं था, तो अब हम इसको जो है फर्दर आगे लेके चलते हैं। तो टोटल इनर्शिया जो रोटेशनल इनर्शिया हमारे बॉडी का आ गया, अब हमने वो लेंथ निकालनी थी जिसके ऊपर हम एक बॉडी को सस्पेंड करें जिसका मास उतना ही हो जितना कि हमारी डिस्क का है, तो बॉडी एज अ सिंपल पेंडुलम जो है वो बिहेव करे। तो वो लेंथ निकालने के लिए हमारा जो फार्मूला था अभी हमने पीछे जो निकाला वो था एल एल इक्वल्स टू आई ओवर एम आर। तो हमने हमारी डिस्क जो है उसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया रोटेशनल इनर्शिया जो है वो निकाल लिया और 3/2 एम आर स्क्वेयर आया। अब हम उसकी जो वैल्यूज हैं वो पुट करते हैं तो हमारे पास ये लेंथ आ गई। इसका मतलब ये होगा कि अगर हम इस लेंथ के ऊपर एक बॉडी को हैंग करते हैं, लटकाते हैं, तो फिर वो एज अ सिंपल पेंडुलम जो है वो बिहेव करेगा। तो इस डायग्राम में ये चीज बताई गई है कि हम फर्ज कर लेते हैं कि हमारी पूरी जो डिस्क है ये वाली, इसका मास इस पॉइंट पे कंसंट्रेट कर गया जिसको अभी मैंने रेडी किया है, और उस पॉइंट को हमने एक ऐसी मैसलेस स्ट्रिंग से लटका दिया जिसकी जो लेंथ है वो 3/2 आर है। तो अब इस बॉडी का और इस फिजिकल पेंडुलम का जो टाइम पीरियड होगा वो सेम होगा, और ये जो पॉइंट होगा ये हमारा सेंटर ऑफ ऑसिलेशन होगा, ठीक है, इस पिवट पॉइंट के लिए। तब उसका टाइम पीरियड कितना है, क्योंकि अब ये एज ए सिंपल पेंडुलम बिहेव कर रहा है तो इसलिए हम क्या करते हैं, सिंपल पेंडुलम का फार्मूला इस्तेमाल करेंगे। तो ये हमारे पास जो है वो आ जाएगा टाइम पीरियड, इसको हम आगे भी देखते हैं। तो नेक्स्ट जब हम इसको देखते हैं तो हमारे पास जो रिलेशन आता है वो जिसको हाईलाइट किया हुआ है ये हमारा जो है वो टाइम पीरियड आ जाता है। तो अब जैसे कि हमने कहा था हमारे डायग्राम में कि पॉइंट ओ एक ऐसा पॉइंट है जहाँ पे हमने कहा कि लेट्स सपोज कि उसका मास जो वो कंसंट्रेट करता है, तो ये वाला जो पॉइंट है पॉइंट टू, ये जो पॉइंट है इसमें हमने यहाँ पे लिया था, तो ये वाला जो पॉइंट है तो इसकी लेंथ पे हमने ये वाला पॉइंट लिया। तो अब ये पॉइंट हमारे बॉडी में मौजूद है कहाँ पे है, तो बॉडी की सिमेट्री से हमें नजर आ रहा है कि ये वाला जो पॉइंट है वो हाफ रेडियस के ऊपर मौजूद है, यानी जो डिस्टेंस है उसके हाफ के ऊपर जो है ये मौजूद है। तब हम इसके हिसाब से देखते हैं। जी, तो जब हम उसको यानी कि हमने अब जो पॉइंट लिया है वो ओ लिया है, और ओ जो पॉइंट था वो हमारा इसको यहाँ पे रीड्रॉ कर लें, तो ये हमने पी लिया था, ये उसका सेंटर है सी, और यहाँ पे हमने पॉइंट ओ लिया था। अब अगर हमने बॉडी को यहाँ पे पॉइंट ओ के ऊपर पैवर्ट करते हैं तो अब उसका जो एक एक्सिस होगा वो यहाँ से पास करेगा, एक एक्सिस यहाँ से पास करेगा, यानी हम उसको अगर ऐसे देखें पहले हमने ये लिया था और एक पॉइंट जो है वो हमने यहाँ पे लिया था। तो अब जिस पे उसको हम हैंग कर रहे हैं जिस पे अब हम अपने पेंडुलम को हैंग कर रहे हैं वो बेसिकली यहाँ पर पॉइंट मौजूद है ओ, तो अब इसको हम हैंग करते हैं तो अब एक एक्सिस यहाँ से पास करेगा और एक एक्सिस जो है वो यहाँ से पास करेगा, और इनके दरमियान जो डिस्टेंस होगा वो हमारा होगा R/2, और वो हम अपने जो फार्मूला है उसके अंदर उसको इस्तेमाल करेंगे। तो अब हम जब उसकी वैल्यू इस्तेमाल करते हैं तो हमारे पास जो रोटेशन इनर्शिया टोटल है वो ये आ जाता है, और उसकी जो लेंथ आ जाती है वो हमारे पास ये आ जाती है।
क्योंकि इसमें जो डिस्टेंस हमारा था पिवट पॉइंट और सेंटर ऑफ मास हाफ रेडियस के बराबर था, तो इस तरह जब हम तमाम वैल्यूज को पुट करते हैं तो हमारे पास जो रिजल्ट आता है वो ये आ जाता है। तो अगर हम रिजल्ट ए और बी को कंपेयर करें जो हमने प्रीवियसली निकाला है, तो हम देखेंगे कि दोनों का जो आंसर है वो सेम है। तो ये सेम रिजल्ट हमें क्या बताता है? ये जो रिजल्ट है बी, तो वी सी दैट बोथ पीरियड्स गिवन बाय ए एंड बी, कि जो हमें टाइम पीरियड मिला है रिलेशन ए से और रिलेशन बी से, ये दोनों जो हैं वो सेम हैं। तो दिस इक्वलिटी ऑफ पीरियड्स शो दैट डिस्क विल बिहेव एज अ सिंपल पेंडुलम, कि जो हमारा डिस्क का फिजिकल पेंडुलम था वो सिंपल पेंडुलम के तौर पर बिहेव करेगा इफ होल मास ऑफ द डिस्क इज कंसिडर टू बी कंसोलिडेटेड एट पॉइंट ओ, जिसको हमने सेंटर ऑफ ऑसिलेशन कहा। यानी अगर किसी बॉडी का मास सेंटर ऑफ ऑसिलेशन पे कंसंट्रेट कर जाए तो इट विल बिहेव एज अ सिंपल पेंडुलम। और यही हमने देखा था कि फिजिकल पेंडुलम जो है वो किन हालात में सिंपल पेंडुलम जैसा बिहेव करता है, यानी किन हालात में वो फिजिकल पेंडुलम का टाइम पीरियड है वो सिंपल पेंडुलम टाइम पीरियड टाइम सिंपल पेंडुलम के टाइम पीरियड के बराबर हो जाता है। वो कंडीशन क्या है कि अगर फिजिकल पेंडुलम का मास जो है वो एक ऐसे पॉइंट पे कंसंट्रेट हो जाए जिसकी लेंथ हम निकाल सकते हैं और जिसको हम नाम देते हैं सेंटर ऑफ ऑसिलेशन, यानी अगर सेंटर ऑफ ऑसिलेशन पे हमारे बॉडी का फिजिकल बॉडी का रिजिड बॉडी का मास कंसंट्रेट कर दिया जाए, इकट्ठा कर दिया जाए, तो उस पॉइंट के ऊपर जो ऑसिलेशन होगी सिंपल पेंडुलम की और फिजिकल पेंडुलम की, वो उनका टाइम पीरियड सेम होगा। तो हम कह सकते हैं कि फिजिकल पेंडुलम इज बिहेविंग लाइक अ सिंपल पेंडुलम, चूंकि उनके टाइम पीरियड जो है वो बराबर हो चुके हैं। तो उम्मीद है आपको समझ आई होगी। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर के अंदर जो है वो मिलते हैं। अस्सलाम वालेकुम।